हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल। आप सभी का खूब खूब स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशली सोडा मशीन नॉन इलेक्ट्रिक मशीन 2022 के सबसे लेटेस्ट मॉडल है। ये मशीनों की वीडियो हमने पहले भी बहुत सारी दी है। आज हम आपको वीडियो पूरी डिटेल्स के साथ कैसे मशीन ऑपरेट करनी है, कैसे मशीन को चलाना है, कैसे फ्लेवर डाला जाता है, कैसे बर्फ डाला जाता है, कैसे सोडा स्ट्रॉन्ग की जाती है, मशीन में क्या क्या खासियत है, मशीन के क्या क्या फंक्शन है और मशीन की क्या प्राइस है और मशीन कितना डिस्काउंट प्राइस में मशीन आपको कैसे मिलेगी, ये वीडियो के अंदर हम पूरी जानकारी देने वाले दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखिए। वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी क्योंकि हम पूरी सिस्टम प्रोसेस से बताएंगे कि फ्लेवर कैसे आप फिलअप करना है, कैसे चलाना है, पूरी मशीन ऑपरेट करके बताएंगे। सबसे पहले मैं दोस्तों बता दूं कि ये बिजनेस है नॉन इलेक्ट्रिक सॉफ्ट ड्रिंक मशीन। कहीं पे भी विदाउट पावर, विदाउट बिजली, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आप ये मशीन लगा के अपना खुद का एक बिजनेस, अपना खुद का एक बैकअप स्टार्ट कर सकते हो। रोजाना 5 से लेकर 8 हजार रुपए तक का इरन प्रॉफिट कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ये हमारी नॉन इलेक्ट्रिक सिंगल फ्लेवर की बूस्टर सोडा की मशीन। इसके अंदर से ओनली प्लेन सादा सोडा निकलता है, इसमें से कोई फ्लेवर नहीं निकलेगा। आपको ऊपर से फ्लेवर ऐड करके इसमें लगाना है। उसके बाद ये हमारी सॉफ्ट ड्रिंक की मशीन है, इसके अंदर से कंप्लीट फ्लेवर बन के निकलेगा दोस्तों। जैसे आप ऑरेंज लगा रहे तो ऑरेंज निकलेगा और एक प्लेन सादा सोडा है, 1+1 मशीन है, एक सोडा एक फ्लेवर। उसके बाद हमारी 2+1 की मशीन है, दो फ्लेवर और एक प्लेन सादा सोडा। उसके बाद 3+1 की मशीन है, तीन सोडा तीन फ्लेवर और एक प्लेन सादा सोडा। हमने यहाँ पे बर्फ भी रखा है, आप देख सकते हैं बॉक्स में आइस भी लगा कर रखा है। आपको फ्लेवर टैंक के अंदर लगा के इसमें से सोडा निकाल के प्रेशर देके आपको सब समझाएंगे दोस्तों। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि आपके पास जो मशीन आएगी, हमने वॉल इसका नोजल एक खोल के भेजेंगे। जैसे कि अभी ये नोजल लगा हुआ है, हम आपको ये नोजल खोल के भेजेंगे। ये नोजल आपको अपने हाथ से इसको इंस्टॉल और फिट करने रहेंगे। नोजल कैसे फिट किए जाते हैं वो भी मैं आपको वीडियो के अंदर पूरी बताऊंगा। सबसे पहले CO2 सिलेंडर हम इस मशीन के साथ 2 किलो का देते हैं। ये मशीन के साथ ये CO2 सिलेंडर बड़ा है, अगर आपको ये भी चाहिए तो हम ये भी देंगे एक्स्ट्रा, लेकिन मशीन के साथ इसको इंस्टॉल करने का एक ही तरीका, एक ही समान तरीका रहता है। सबसे पहले आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बोतल के साथ में मीटर को जोड़ा हुआ है यहाँ पे। ये नट के साथ में CO2 सिलेंडर जोड़ा हुआ है। नट खोलने से मीटर अलग हो जाएगा, ये मीटर हम आपको अलग भेजेंगे। आपको खोल के नट टाइट करके इसको अच्छे से कस के बोतल के अंदर फिट कर देना। और ये इसके जो हैंडल रहते हैं, हैंडल है ये अलग से मिलेंगे आपको, लूज आएंगे ये आपको अलग से बॉक्स के अंदर से निकलेंगे। ये आपको इसको टाइट करके लगा देना है, थोड़ा थोड़ा टाइट करना है, दो दो राउंड ही टाइट करना है, ज्यादा राउंड नहीं, आपको टाइट नहीं करना है, ठीक है। ये भी मैं अभी खोल देता हूँ आपको, ये खोल के रखता हूँ, इसलिए आपको आसानी से मशीन को फिटिंग और चालू करने में भी बहुत ही आसानी होगी इसके अंदर। ये भी हम इसको थोड़ा 2 राउंड ही टाइट करेंगे, इसको हो गया। उसके बाद 1+3 की मशीन है, इसके अंदर से आपको पीछे से इस तरीके से 3 होल्डर्स निकलेंगे, इस तरीके से येलो 3 होल्डर्स निकलेंगे और एक इस टाइप का नट निकलेगा। ये नट आपको 1 मीटर के अंदर ऐसे लगा देना है, 1 मीटर का सबसे पहला हिस्सा है, यहाँ पे आपको ये नट को जोड़ देना है। ये नट अभी हम इसको जोड़ रहे हैं, आप देख सकते हैं, ये नट को जोड़ देना है। इसको आप पाने से थोड़ा टाइट कर देंगे, आप देख सकते हैं ये पाना रहता है, ये पाने से टाइट कर दिया इसको। उसके बाद मशीन आप खोलेंगे तो मशीन के अंदर से इसका एक कनेक्शन है, खोला हमने मशीन, दिखाई अंदर, इसके से अंदर से एक कनेक्शन ऐसा निकलेगा, एक कनेक्शन है, ये कनेक्शन निकाल दिया आपने, ये वापस हम ढक्कन को ढक देंगे अंदर से। ये कनेक्शन में से भी ऐसा 2 होल्डर वाला एक पिन निकलेगा, ये 2 होल्डर वाला है, उसको आपको यहाँ पे कस देना है, बाजू में कस देना है, उसके बॉर्डर पे दूसरी जगह कस देना है आपको, या बॉर्डर में हम इसको कस देंगे, इसको आप देख सकते हैं, इसको हम टाइट कर देंगे पानी से एक बार, ये कस दिया हमने। उसके बाद CO2 बोतल है, इसका चाबी है, ये CO2 सिलेंडर को हम स्टार्ट करेंगे। ये CO2 सिलेंडर अभी देखिए 0-0 प्रेशर है, तीनों का, एक का दिनों का, तो 0-0 पे लगा हुआ है। अभी हम CO2 स्टार्ट करेंगे, इसको 1 राउंड ही ओपन करना है आपको, हम जो अभी 1 राउंड ही ओपन करेंगे, इसको ज़्यादा नहीं करना है, इसलिए बोतल में कितना प्रेशर है ये यहाँ पे शो कर रहा है, आप देख सकते हैं 1000 नंबर पे प्रेशर है। अभी जो सबसे पहला मीटर है उसको हम टाइट करके इसको 80 के प्रेशर पे सेट कर देंगे इसको, आप देखिए धीरे धीरे हम टाइट करेंगे इसलिए ऊपर आएगा, धीरे धीरे करना है आपको हल्के से। आप देखिए 50 के ऊपर आया, ये आपको 100 से थोड़ा नीचे रखना है, एक पॉइंट के अंदर यहाँ पे नीचे रख दिया हमने। उसके बाद इसको भी हम 80 के ऊपर प्रेशर को सेट कर देंगे, आप देख सकते हैं ये मीटर को
यहाँ पे हमने इसको 80 के ऊपर सेट कर दिया है, देख सकते हैं दोनों को मीटर सेट कर दिया, 80 के ऊपर सेट हो गया है। अभी हम आगे की तरफ मशीन के पास आएंगे एक बार। ये मशीन के नल के कवर है, इसके नोजल है, ये आपके पास जो कवर मिलेंगे ऐसे फिट करके मिलेंगे, ऐसे पैक करके मिलेंगे आपको, आपके वहाँ जब हम मशीन भेजेंगे तो यही तरीके से आपको नल मिलेंगे। नल का कवर खोल देना है आपको, ये नल खोल दिया आपने, उसके बाद यहाँ पे आपको इसका हेड आप देख सकते हैं, इसको ये पोजीशन के अंदर लगाना है, यहाँ पे हम इसको पुश करेंगे, आप देख सकते हैं इसको ये पुश के अंदर, इसको ये नजर लग गया, ये लग गया, उसके बाद इसको लॉक कर देना है, ये बटन दबा के लॉक हो गया है, ये आप देख सकते हैं लॉक कर दिया हमने। उसके बाद ऐसे हम दूसरा नोजल भी लगाएंगे इसके अंदर, ये नोजल हम लगाएंगे उसके अंदर, ये लग गया, इसको लॉक कर देंगे, ये लॉक हो गया। इसके बाद तीसरा हेड भी हम लगा देंगे, ये लगा दिया, ये लॉक कर दिया इसको। उसके बाद इसके पीछे दो हेड गेट वाल बोलते हैं इसको, गेट वाल, ये तीनों के गेट वाल आपको ओपन कर देने, इसको ओपन करना है गेट वाल को, ये देख सकते हैं इसको एक बाजू ओपन होगा, ये दूसरी साइड ओपन हो गया, ये गेट वाल को ओपन कर दिया हमने, ये गेट वाल को ओपन हो गया आप देख सकते हैं, दोनों को गेट वाल को, तीनों वाल के गेट वाल आपका, अगर सिंगल वाल का तो सिंगल में करो, डबल का है तो डबल में करो, तीन वाल का मशीन है तो तीनों का ये गेट वाल ओपन कर दो आप इससे, ये गेट वाल ओपन हो गया। अब ये नल का काम हो गया पूरा, उसका हम ढक्कन भी लगा देंगे नल का, ये नल का ये ढक्कन कवर लग गया इसके अंदर, यहाँ पे बोल्ट है उसको कस देना है आपको, वही तरीके से हम इसको भी लगा देंगे। इसका नीचे का सील भी दिया गया है, सील है, तो सील भी निकाल देना है, जब आपको सोड़ा निकालना है तब सील निकाल देना है। उसके बाद अभी मेन पर्पस के ऊपर आ जाते हैं। मेन पर्पस में अभी यहाँ पे इस साइड आ जाए, अभी जा अल्फाज, यहाँ पे इसका बॉक्स है, बॉक्स को ओपन करेंगे, यहाँ पे इसका मेन वाटर टैंक है, ये वाटर टैंक को हम ओपन करेंगे, आप देख सकते हैं इसका ढक्कन है, ये निकल गया, जैसे कुकर का कवर निकलता है ऐसे निकलेगा पूरा, आप देख सकते हैं निकल गया, ये एम्प्टी टैंक है, खाली टैंक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अभी इसके अंदर सबसे पहले हम आइस को फिल अप करेंगे, ये बर्फ हमारे पास है, ये टैंक को आपको बाहर भी निकालना है तो फोल्डिंग है पूरा, बाहर निकाल सकते हो, बाहर लेके भी आपको फिल अप करना है तो आप कर सकते हो। इसमें आपको आधा बर्फ डालना है और आधा पानी डालना है इसके अंदर। अभी हम इसके अंदर आधा बर्फ डाल रहे हैं, पहले आइस डाल रहे हैं, यहाँ आधा बर्फ डाल दिया, उसके बाद पानी लेके आइए, पानी डालिए इसमें आधा, आप देख सकते हैं इसमें पानी डाल रहे हैं हम, अभी हमने पानी डाल दिया, आपको पूरा फिल कर देना है इसको। उसके बाद जैसे कुकर का ढक्कन है ऐसे वापस इसको ढक्कन को लगा देना है, इसका वॉरिंग सील रहना चाहिए उसके अंदर, वो देखना है आपको, ये ढक्कन लग के इसको लॉक कर देना है आपको, आप देख सकते हैं ऐसे इसको लॉक कर देना है आपको। उसके बाद इसका थ्री पिन है, वो ले लो पानी, ये टू पिन का है, टू पिन के सामने टू पिन में जाएगा, ये टू पिन टू टू पिन है, इसको टू पिन से टू पिन जाएगा, ये थ्री पिन टू थ्री पिन, थ्री पिन के सामने थ्री पिन रहेगा। अगर इसको आपको ऐसे चढ़ाना है, इसको अगर ऐसे नहीं लगता है तो थोड़ा पानी डालना है ऐसे, आपको फुहारा या पानी तो थोड़ा उसका वोरिंग रहता है, इसको थोड़ा पानी या फुहारे से इसको कसना है आपको। ये लग गया है थ्री पिन का, टू पिन का, उसके बाद हमें थ्री पिन का लगाएंगे। ये थ्री पिन लग चुका है, अभी इसका काम हो गया पूरा, ये काम फिनिश हो गया। एक बार 20 लीटर पानी भर दिया, 100 ग्लास का बैकअप फुल हो गया इसका। अभी इसको अपने को ढक्कन लगा के ढक देना है, इसको ढक्कन लगा देना है इसे, ये ढक्कन लॉक के लॉक हो चुका है। अभी बात आती है फ्लेवर्स की, तो फ्लेवर्स कैसे करना है, फ्लेवर इसी तरीके से करना है आपको दोस्तों, लेकिन फ्लेवर को बाहर बनाना है आपको। ये जैसे टैंक हमने वाटर को अंदर बनाया, हम फ्लेवर को बाहर बनाएंगे इसके अंदर।
सबसे पहले हम यहाँ पे इसका फ्लेवर का टैंक है, इसके अंदर ये फ्लेवर के टैंक के अंदर ये ढक्कन खोलेंगे इसका, आप देख सकते हैं जैसे हमने पहले उसमें निकाला था वैसे इसको भी हम निकाल देंगे। निकाल दिए, कई बार ओरिंग इसके अंदर गिर जाता है तो आपको इसको हाथ निकाल के ओरिंग निकालना है, क्योंकि ओरिंग नहीं रहेगा तो सीलिंग नहीं होगा उसका। इसका ओरिंग ये हाथ में आ गया, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमको इसको ढक्कन के ऊपर ढक्कन लगा देंगे, इसमें ढक्कन के ऊपर इसका ओरिंग लगा देना है। उसके बाद हम इसमें पहले फ्लेवर डालेंगे, फ्लेवर डालो ऑरेंज का, इसमें ऑरेंज का फ्लेवर डालेंगे, धीरे धीरे डालो। वोलन ऑरेंज का फ्लेवर हमने रेडीमेड करके बना के रखा हुआ है, डाल दीजिए पूरा डाल दीजिए। उसके बाद मुजीता की लो ये टैंक है, इसके अंदर हम जीरा का फ्लेवर जो हमारे पास पड़ा है वो डालेंगे। ना खे दियो मां, फ्लेवर डाल दिया। उसके बाद आइस पड़ा है हमारे पास, जो बर्फ हमने लिया हुआ है वो आइस डालेंगे इसके अंदर। आपको एक साथ बड़ा पीस डालना है तो बड़ा भी डाल सकते हैं, तो हमारे पास आइस क्यूबर है इसलिए हमने आइस क्यूब डाला हुआ है इसके अंदर। अगर आपके पास बड़ा पीस है तो बड़ा पीस भी डाल सकते हैं आप इसमें। हमने आइस डाल दिया इसके अंदर, दूसरा आइस लीजिए यहाँ पे, तो दूसरा टैंक के अंदर हम दूसरा आइस डाल देंगे। लग लगा दिया हमने। उसके बाद इसका जो ढक्कन है वो ढक्कन हम लगाएंगे इसके ऊपर, आप देख सकते हैं जैसे हमने बताया आपको कुकर में जैसे ढक्कन लगता है ऐसे ढक्कन लगा देना है आपको। ये ढक्कन हमने लगा दिए, उसके बाद ये दूसरा ढक्कन है, ये ढक्कन लगा देंगे। उसके बाद हमने CO2 बोतल था जो, उसके अंदर से कनेक्शन एक निकाला हुआ था, जिसके अंदर से इसका दो कनेक्शन गैस का निकला हुआ था, ये आप देख सकते हैं दो कनेक्शन, और दो कनेक्शन है, तीन कनेक्शन, तीन फ्लेवर की मशीन है इसलिए तीन अलग अलग कनेक्शन इसका निकला है। इसमें से अभी हम फिलहाल दो फ्लेवर बनाए हैं इसलिए दो हेड ही आपको चला के बताएंगे, दो में से ही आपको फ्लेवर निकाल के बताएंगे। सबसे पहले हम थोड़ा टू थ्री पिन का है, ये थ्री पिन का पिन है, ये थ्री पिन का पिन लगाएंगे इसके अंदर, आप देख सकते हैं ये लगा दिया हमने थ्री पिन का, इसमें भी थ्री पिन का लगा दिया। अब अभी यहाँ पे टू पिन का जो होल्डर्स है, जो हमने प्रेशर दिया था 80 का, ये टू पिन का होल्डर्स भी लगाएंगे इसमें, इसमें भी थोड़ा हम पानी डाल देंगे जिससे आसानी से बैठ जाएगा ये, आप देख सकते हैं यहाँ पे तो लगा दिया हमने इसमें। कई बार अगर कुछ लीक होता है तो इसको आपको थोड़ा हाथ से पकड़ लेना है आपको अच्छे से लॉक करने के लिए, ये लॉक हो चुका है, ये लॉक हो गया है। उसके बाद ये दूसरा वाला है, इसको भी हम लगाएंगे इसमें, ये भी लग गया इसमें, ये दोनों फ्लेवर्स आसानी से लग चुके हैं इसमें। अभी हमने इसमें लगा दिया है, गैस भर दिया है, सब कंप्लीट कर दिया है, आप देख सकते हो उसका टैंक में कितना कूलिंग आ चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा छार जम चुका है कूलिंग का, अब देखिए पूरा चिल्ड हो चुका है यहाँ पे। थोड़ी देर अभी हमने लगाई उसमें कूलिंग आ चुका है, अभी हम यहाँ से इसका फ्लेवर निकालेंगे, ग्लास है हमारे पास, आप देख सकते हैं इसका कौन उला डब्बो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे
अभी हमने हाजमा का जो फ्लेवर भरा है, हाजमा का फ्लेवर निकल रहा है इसमें से, बेहतरीन क्वालिटी से, एकदम ठंडा और चील आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन क्वालिटी का फ्लेवर निकल रहा है इसमें से, हाजमा का फ्लेवर एकदम। उसके बाद यहाँ से ऑरेंज भी हमने लगाया हुआ, इसमें ऑरेंज निकल रहा है आप देख सकते हैं पूरा स्ट्रांग। इसका देखिए दोस्तों सोडा का क्वालिटी देखिए, कितना पावर और स्ट्रांगनेस सोडा निकल रहा है इसमें से। इसका बबल्स देखिए कितना फीना आ चुका है इसमें। नॉन इलेक्ट्रिक मशीन है फिर भी इसका बूस्टिंग सिस्टम आप देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं ये दो फ्लेवर अलग अलग निकला है, हाजमा जीरा और ऑरेंज निकला है। अगर कोई कस्टमर प्लेन सादा सोडा मांग रहा है तो ये बटन इसका दिया है हमने, प्लेन सादा सोडा निकालो इसमें से, आप देख सकते हैं इसमें ये प्लेन सादा सोडा है, आप देख सकते हैं ये सादा सोडा का भी क्वालिटी आप देखिए। यहाँ पे हम डाल के दिखा रहे हैं आपको कितना स्ट्रांग है, आप देखिए पूरा बबल्स देखिए इसका एकदम उबाल आ रहा है इसके अंदर से, बहुत ही स्ट्रांगनेस और बूस्टर सोडा निकला है इसके अंदर से, आप देख सकते हैं दोस्तों। अभी आपको इसको सोडा का क्वालिटी कम ज़्यादा करना है, जैसे कि इसका स्वीटनेस कम करना है, स्वीटनेस ज़्यादा करना है, तो यहाँ से इसका सेटिंग बोल्ट है। अभी ये फुल स्पीड पे है, आप देख सकते हैं दोनों ओपन है, ये फुल स्पीड है। अभी इसका स्पीड कम करना है, अगर आपको, अगर आप चाहेंगे तो इसको स्वीटनेस आपको कम करना है, इसका मीठापन कम करना है, तो इसको थोड़ा कस देना है आपको, टाइट करना है। ये वाटर का है, सिरप का है, वाटर का क्वांटिटी ये टाइट करने से क्वांटिटी कम आएगा, बढ़ाने से ज़्यादा आएगा क्वांटिटी। अभी हम इसको कम करेंगे वाटर, पहले से वाटर थोड़ा कम करेंगे, आप देख सकते हैं इसमें ये कम हो जाएगा धीरे धीरे, आप देखिए ये कम हो गया, ये क्वांटिटी कम हो गया पहले से। वही हिसाब से सिरप का क्वांटिटी भी कम करना है तो यहाँ से इसको कस देना है आपको, टाइट कर देना है, आप देखिए ये क्वांटिटी कम हो गया एकदम। जैसे कि ये वाल का क्वांटिटी देखिए आप, इसका हाई क्वांटिटी है, तो वही हिसाब से इसका क्वांटिटी कम होगी, आप देख सकते हैं, अब देखिए बहुत ही ठंडा स्ट्रॉन्ग और चील्ड फ्लेवर निकल रहा है, ऑरेंज का फ्लेवर है, बेहतरीन क्वालिटी का ऑरेंज है, आप देख सकते हैं। इसमें हमने कोई फ्लेवर नहीं लगाया, इसमें सादा सोडा निकल रहा है, प्लेन सोडा, आप देख सकते हैं ओनली प्लेन सोडा है। इसमें आप फ्लेवर लगाएंगे तो इसमें भी फ्लेवर निकलना चालू हो जाएगा, इसका प्लेन सादा सोडा का अलग से बटन है। इसको अभी हम ओपन करेंगे इसलिए वापस जैसा था ऐसा क्वांटिटी हो जाएगा, क्योंकि इसका हम स्पीड फुल कर देंगे, स्पीड बढ़ा देंगे, आप देख सकते हैं पूरा क्वांटिटी बढ़ गया इसका। तो दोस्तों हमने आपको इसमें पूरी सिस्टम पूरी जानकारी दी मशीन की, क्या मशीन कैसे ऑपरेट करनी है, कैसे आपके लिए बहुत ही आसान वीडियो है दोस्तों। एक वीडियो देखेंगे आप अपने हाथ से मशीन को फिटिंग करके चालू कर लेंगे, कोई भी बड़ा काम नहीं है, कोई भी बड़ा हार्ड वर्क नहीं है दोस्तों। और इसका फ्लेवर बनाने का तरीका, हम जो फ्लेवर आपको मशीन के साथ में दे रहे हैं, लेकिन इस तरीके से आपको फ्लेवर नहीं बनाना है दोस्तों। जैसे कि ये फ्लेवर इसमें लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं फ्लेवर बनाने का तरीका हिंदी में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 8 लीटर पानी डालिए, उसमें 5 किलो चीनी और 8 लीटर पानी। आपको इसके अंदर जितना भी फ्लेवर लिखा है, जैसे 8 लीटर पानी लिखा है, तो आपको 5 लीटर और पानी एक्स्ट्रा कर देना है, 8 की जगह 13 लीटर पानी डालना है, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रिक मशीन है, इसका सिस्टम अलग रहता है दोस्तों। ये रेसिपी उसमें काम नहीं रहेगा, इसमें 5 लीटर ऐड करने देना है। कोई भी फ्लेवर में अगर 6 लीटर लिखा है तो उसमें 11 लीटर, किसी में 10 लीटर लिखा है तो 15 लीटर, 5 लीटर एक्स्ट्रा पानी डालना है, चीनी का मात्रा उतना ही रहने देना है जितना इसमें लिखा हुआ है दोस्तों। तो ये सब चीज़ दोस्तों बहुत ही जानकार बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है दोस्तों। मशीन की प्राइस, मशीन की कैपेसिटी बता दूं दोस्तों, सिंगल फ्लेवर की मशीन की 1 घंटे की 100 ग्लास निकालने की कैपेसिटी है, 10 घंटे में 1000 ग्लास निकाल सकते हो। 1 ग्लास बनाने का खर्चा आपको दोस्तों 30 से 40 पैसा का मटेरियल और 40 पैसे का ग्लास, 80 पैसे में एक सादा सोडा का ग्लास आपको लैंड घर में पड़ता है। बाजार में आप इसमें फ्लेवर ऐड करके 10 रुपये में बाजार में सेल कर सकते हो दोस्तों। मशीन की कीमत है 32,000, डिस्काउंट करके आपको 20,000 रुपये मशीन मिलेगी दोस्तों। सिंगल फ्लेवर 1+1 मशीन है दोस्तों, सिंगल फ्लेवर सोडा है, सिंगल फ्लेवर है, एक फ्लेवर और एक प्लेन सोडा। मशीन की कैपेसिटी 1 घंटे के अंदर 200 ग्लास की कैपेसिटी है दोस्तों, 1 घंटे में आप 200 ग्लास, पूरे दिन में 1100 ग्लास सोडा निकाल सकते हो, चाहे फ्लेवर निकालो चाहे सादा सोडा निकालो। ये मशीन की कीमत है 34,000 कीमत है दोस्तों, डिस्काउंट करके आपको 25,000 में पड़ेगी इसकी कीमत है। दो एक मशीन है दोस्तों, 2 फ्लेवर की मशीन है, 1 घंटे के अंदर 300 ग्लास की कैपेसिटी है दोस्तों, 1 घंटे में 300 ग्लास, 100 ग्लास इसका, 100 ग्लास इसका, और 100 ग्लास सादा सोडा, प्लेन सोडा निकाल सकते हो। पूरे दिन में 1300 ग्लास तक आप सोडा निकाल सकते हो। मशीन की कीमत है दोस्तों
44,000 रुपीज, 44,000 कीमत है, डिस्काउंट करके आपको 37,000 में गिरेगी दोस्तों। उसके बाद तीन फ्लेवर की मशीन है, तीन फ्लेवर, एक सादा प्लेन सोडा दोस्तों, एक की मशीन की कीमत 55,000 है, डिस्काउंट करके आपको 45,000 में मिलेगी। मशीन के साथ क्या क्या सामान फ्री में मिलेगा, कंप्लीट मशीन उसकी पूरी यूनिट के साथ में, फ्लेवर टैंक के साथ में पूरा यूनिट मिलेगा, मशीन के साथ एक 2 किलो का CO2 सिलेंडर मिलेगा, मशीन के साथ इस टाइप का मीटर साथ में मिलेगा, बोतल का चाबी ऐसा साथ में मिलेगा आपको, 2000 ग्लास का फ्लेवर मिलेगा, पूरी मशीन की पैकिंग मिलेगी और ऑल ओवर इंडिया ट्रांसपोर्टेशन मिलेगी। तो दोस्तों ये वीडियो में हमने आपको पूरी जानकारी बताई कि ये मशीन ऑपरेट कैसे करनी है, क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या सिस्टम है, क्या क्वालिटी है इसका, मशीन का फंक्शन क्या, पूरी मशीन स्टेनलेस स्टील से बनाई गई है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह की मशीन की ज़्यादा डिटेल, ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे वीडियो में ब्लिंकिंग में दिया गया है, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करके हर एक डिटेल जानकारी फंक्शन ले सकते हो। मंडे से लेकर सैटरडे तक सुबह 10 बजे, शाम को 6 बजे तक कॉल करके हर एक डिटेल जानकारी ले सकते हो दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो एक बार लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो।